जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है अन अकेडमी पर, और पूरा उम्मीद है कि आज का दिन आपने एंजॉय किया होगा। आप बहुत लकी हैं कि आज की ऐतिहासिक तिथि या घटनाक्रम आपको देखने को मिला है। खैर, इस पे भी एक क्लास में जल्दी एक दो दिन में लेके आऊँगा, कब से क्या हुआ, बाबरी मस्जिद कैसे क्या रहा, क्या डिस्प्यूट था, कब कौन सा कमेटी बनाई गई, कब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कैसे टाइम मशीन क्या है, और पूरा एक बार इस पे भी एक छोटी सी क्लास हम लोग लेके आएंगे। और आज का पूरा सेशन हम एमसीक्यू पर लेकर के चल रहे हैं। और कल हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर क्लास लेके आएंगे, स्टैटिक जीके की। आज टाइम लगेगा तो लास्ट में मैं एक बार स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी आपको रिकॉल करवाऊंगा, और उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, जो मुझे मतलब पढ़ाने से ही आप सीख पाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको रटने हैं, तो वो मैं बता दूंगा जो रटने हैं, और एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि उसको पढ़ के आइए और उस पर एमसीक्यू करवा लिया करेंगे, पढ़ के आइए और एमसीक्यू करवा लेंगे। और दूसरा वे टॉपिक जो हमें आपको पढ़ाने हैं वो मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। तो चलें, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष में। हालांकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे, खुश भी होंगे, कुछ लोग का मानना होगा कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और बहुत सारे, तो वो अलग मुद्दा है, किसी दिन टाइम लेगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। रिवर पर मैटर तैयार हो रहा है, रिवर पर 3 क्लास होगी लगातार, एक दो दिन में मैं तैयार कर लूँगा मैटर। उसके बाद डैम पे कुछ बहुत कुछ नहीं है, डैम याद करने वाला टॉपिक है, तो उसको आप याद करेंगे, कोशिश करेंगे रिवर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डैम है साथ के साथ ही कवर करवा दो। तो चलें, आज के लिए इतना ही रखेंगे और सेशन को शुरू करते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन SDR? स्पेशल ड्राइंग राइट में क्या शामिल नहीं है? हमने बताया था कि SDR इज द करेंसी ऑफ IMF, IMF की मुद्रा है, और 1970 में इसे स्टार्ट किया गया था, और इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी मुद्रा इसमें शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि US की डॉलर, ब्रिटेन का पौंड, यूरोपियन यूनियन का यूरो, जापान का येन, और चाइना का रेनमिनबी, ये शामिल है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो हम जानते हैं कि इंडियन रुपीज, करण पालीवाल बहुत दिन बाद आए हो भाई, इसमें शामिल नहीं है। रेगुलर रहा करो, बहुत कुछ नया सिखा देते हैं। चले, तो रुपया नहीं है। अब क्वेश्चन है कि क्या रुपया भारत IMF से लोन लेने वाले देशों में शामिल है, या IMF का रिजर्व है? तो भारत के पास IMF का रिजर्व है, और IMF के रिजर्व के मामले में भारत का 8वां पोजीशन है। पहला पोजीशन किसके पास है? तो पहला पोजीशन US के पास है। तो ये 5 मुद्राएं हैं, चले, जो इसमें शामिल है। US डॉलर, यूरो, जापानीज, चाइनीज रेनमिनबी, ये साइन नहीं होगा, जापान येन, और ब्रिटिश पाउंड। सुचंद्रा सविता, गुड इवनिंग। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ गेम? बताओ, मैंने कॉमनवेल्थ गेम पढ़ाया हुआ आपको, अब आपको मुझे बताना है कि किसने 2018 का कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया है। 2022 का आपको पता होगा चाइना में होने जा रहा है, अब 2018 का आपको बताना है किसने किया था। बताइए जल्दी से, 2018 का कॉमनवेल्थ, 2010 का इंडिया ने किया था। चले, तो 2018 का साथियों जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑस्ट्रेलिया ने, 4 अप्रैल से 15 अप्रैल।
कुल 71 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए थे। चलें, और कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है तो हम जानते हैं कि वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाते हैं, और उनके सम्मान में ही ये शुरू किया गया था। सबसे पहला कॉमनवेल्थ 1930 में हुआ था कनाडा में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड बिनेथ इज द वर्ड बिनेथ हिज फिट इज अ बायोग्राफी ऑफ। अच्छा, एक पॉइंट और भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि यदि हम बुक का असाइनमेंट दे दें आपको और उस पर हम एक दिन क्विज कर लें वो अच्छा रहेगा, या बुक को पढ़ाएं, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा बुक में क्या क्या हमें सीखने की जरूरत है, बुक में क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो बताएं किसने लिखा है? तो सबका जवाब है पुलेला गोपीचंद ने लिखा है। तो इसका आंसर है पुलेला गोपीचंद, और ये इस समय चीफ नेशनल कोच ऑफ इंडियन बैडमिंटन टीम है। इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप को 2001 में जीता था, और इस समय बैडमिंटन एकेडमी चला रहे हैं, और इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है इनको 1999 में, और 2009 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। चले, और हम आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। चले, अभी दिखाएंगे बुक का असाइनमेंट। इन विच ईयर रुपीज बिकम द स्टैंडर्ड क्वाइन ऑफ इंडिया। किस वर्ष रुपए को भारत में मानक करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया? आपको पता हो रुपया किसने शुरू किया भारत में? तो ये क्या जवाब है साथियों इसका? 1835। उससे पहले हमने सिल्वर स्टिलिंग को 1806 में सिल्वर स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया था। 1816 में पेपर करेंसी शुरू हुई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रुपए को 1835 में हमने एज ए स्टैंडर्ड करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। चल देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, मतलब वो टॉपिक जो जनरली आपको जानने चाहिए। अब साथियों, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन गिव्स अकाउंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक की जानकारी देता है? बताइए, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक की जानकारी देता है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, समुद्रगुप्त। तो बताओ साथियों, चलें सबका जवाब सही है, और इट्स आंसर इज द खारवेल, कलिंग का शासक है ये। चले, द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इन एट द उदयगिरी भुवनेश्वर में है, ये ध्यान रखना है, और ये उड़ीसा का ही शासक है कलिंग राजा खारवेल। प्रशांत, जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाई, और आज तो जय श्री राम बोलो। चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? याद करो, चार बौद्ध सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर? राजगिरी, बुद्ध के मृत्यु के बाद ही, वैशाली 100 साल बाद, पाटलिपुत्र, और कुंडलग्राम कश्मीर। पहला किसने? अजातशत्रु ने। फिर कालाशोक, फिर अशोक, और फिर साथियों
अब तक जवाब आपका आ गया होगा कनिष्क। और चौथे बौद्ध सम्मेलन में क्या हुआ था? तो चौथे बौद्ध सम्मेलन में दो हिस्सों में कांग्रेस कह रहा हूँ, बौद्ध धर्म बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। और कनिष्क किसका समर्थक था साथियों? महायान शाखा का। चले, महायान क्या था? जिसने भगवान बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दे दिया। तो ये हमने लास्ट टाइम भी ये टेबल हमने दिया था कि अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क, जगह राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। हमने इसका ट्रिक बनाया था आपके लिए, अजा का अक, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क, और इसका बनाया था रावापक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, महाकश्यप, सबकामी, मोगलिपुत्तिस और वसुमित्र। तो ये याद होना चाहिए कि कौन सा गुरु था। यही तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी, बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 साल बाद ये हुआ था। दो पिटक बनाए गए थे, तीसरा पिटक यहाँ पर बनाया गया था। चले, आज हम लोग लास्ट में क्लास के ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा डे कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, और उसका एक इंडेक्स बनाने वाला हूँ। और इंडेक्स में हम पहले से डिस्कस कर लेंगे कि जी इस डे को ये टॉपिक हम करने वाले हैं। थ्योरी की जरूरत होगी थ्योरी, एमसीक्यू की जरूरत होगी तो एमसीक्यू। और लगभग 120 दिन में, सॉरी 87 डेज में हम जीएस का लगभग सारा टॉपिक आपके सामने कवर करने की स्थिति में होंगे। जीएस में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो करवाइए। तो जीएस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवा रहे मेरे दोस्त। जीएस आप टेंशन ही मत ले, मैंने आपसे 100 दिन मांगा था, वो आप मुझे दे के रखेंगे। चलिए, स्टोरी मेरे भाई लास्ट में करवाएंगे, अभी स्टोरी कैसे करवा देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी है? बताओ, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, किसी का भी जवाब सही नहीं आ रहा है। जो लोग तारीफ कर रहे हो दिल बाग बाग कर दे रहे हैं भाई। ऐसे ही आप ईश्वर की दया से आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, कब? 1818। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वाज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वाज फाउंडेड इन 1906। चलिए, अगला है, इनकी स्थापना का ईयर बताइए, कब कौन सा स्थापित हुआ, क्रम बताना है आपको। आरबीआई कब आया साथियों? 1835। आईएफसीआई कब आया है? 1948। आईसीआईसीआई कब आया है? 1955। एसबीआई कब आया है? ये तो जनवरी, और एसबीआई जुलाई 1955, और यूटीआई, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है आपके लिए, यदि आप कर पाते हैं तो भी ठीक है, 1964, और नाबार्ड, ये हमने कल परसों बताया था, 1982, 12 जुलाई 1982। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आरबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई नाबार्ड। देख लो कितना टफ क्वेश्चन है। डांस फेस्टिवल ट्राइब, लास्ट में एक बार बात करेंगे इस मुद्दे पे। यार आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता यार, किसी को पता है आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है?
अनअकैडमी पे जो क्लास होती है रात को 11 से 12 होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और उसमें हम मिक्स क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, थियरी नहीं पढ़ाते हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल टेकन बाई रिजर्व ऑफ इंडिया टू कर्व द एक्सेस लिक्विडिटी व्हेन डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इंक्रीजेस? बताओ, मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है तो मनी के फ्लो को कम करना है तो क्या किया जाए? सिंपल क्वेश्चन ये है, बाजार में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है तो मुद्रा के प्रवाह को कम करना है तो क्या करें? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुड। तो हमने सीखा है कि, आपको पहले भी सिखाया है कि रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, MSF, CRR, SLR, इन सब का मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो क्या किया जाए? वो ICICI नहीं था मेरे भाई, वो ICICI नहीं था, दूसरा है, वो बैंक है। तो बढ़ा दें, ये मुझे एक दिन पढ़ाना भी है आपको, यदि आप लोग हिम्मत करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी सीखना हो तो कल ही मैं करवा दूंगा। इसमें लगभग 1.5 घंटे लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हर बार SSC एक क्वेश्चन पूछ ही लेती है बैंक से, बैंक में स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। चलिए, जैसे हमने सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दे दिए, RBI CRR इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट इंक्रीज, सारा यहाँ से A to Z साइकिल चल रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन? बताओ, परिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? करंट कहां से करें? करंट मैं करवा तो रहा हूं आपका साथ के साथ पूरे वीक। आपको दिक्कत क्या है कि आपको करंट चाहिए डेली 1 घंटे, है ना? उसे मिले ना मिले कुछ, लेकिन हाँ करंट चाहिए। करंट के लिए आप मेरे पे डिपेंड रह सकते हैं, मैं आपको करंट और स्टैटिक GK, मैंने 100 दिन मांगा था आपसे, 100 दिन चुपचाप हमें 1 घंटे आप ईमानदारी से दे दीजिएगा। तो कौन कंट्रोल करता है साथियों? दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, देखो बैलेंस करने का, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द, चले। बताओ, ब्लड प्लाज्मा विद द विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव द कॉल्ड सीरम? बताओ किसको हटा देंगे तो सीरम कहलाएगा? ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज द कॉल्ड सीरम? आप जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू। जल्दी बताइए, सर कब टूट गया? क्या नहीं, कब में कब टूटेगा तो दिखेगा नहीं। चलो भाई अमित, थैंक यू, शुक्रिया। तो किसको हटाएंगे? तो फाइब्रिनोजन को हटाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा कंपोनेंट क्या क्या होता है ब्लड में। 92% तो वाटर होता है, प्रोटीन 6-8% होता है, साल्ट होता है 0.8, और लिपिड होता है 0.6, ब्लड शुगर 0.1। तो प्लाज्मा में
प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो प्लाज्मा इज द 55% ऑफ ब्लड, कंटेन्स द 5% ऑफ बॉडी वेट, और इसमें 92, ये तो हमने बताई दिया आपको, प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स और बाकी RBC। तो इसमें से फाइब्रिनोजन को हम हटा देंगे, दैट इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लाइफ फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का सबसे आदिम स्वरूप है, सबसे पुराना कौन सा है चारों में से, बताओ। सबसे पहले क्या, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी? शिखर, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़े, मेहनत करें। बताइए जल्दी से, यानी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन को, है ना? ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं। तो सही आंसर क्या है साथियों? बैक्टीरिया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन 1950 शोन बाय द लाइटिंग फ्लैश माइट बी क्रिएटेड एमिनो एसिड द बेसिक केमिकल ऑफ लाइफ फ्रॉम द वाटर्स एंड गैस ऑफ अर्ली अर्थ, बट नो वन नोज हाउ इज दिस केमिकल ज्वाइंट टू बिकम सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो द फर्स्ट लाइफ फॉर्म वेयर द प्रोबेबली टिनी बैक्टीरिया, पहला जो उम्मीद किया जा रहा है वो बैक्टीरिया का ही कर रहे हैं, चले। और वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं शामिल करते। एमंग द फाइव मोनोलिथिक रथा पल्वाज एट द महाबलीपुरम द लार्जेस्ट वन इज, पांचों रथों में से सबसे बड़ा रथ कौन सा है? कई तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ से, कई बार आता है कौन सा पांचवा रथ है या कौन सा पांचवा रथ नहीं है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि पांचों रथ कौन कौन से हैं, तब भी हम करने की स्थिति में हो जाएंगे। अर्जुन, भीम, धर्मराज और द्रौपदी। तो पांचों पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? यदि ये पता हो आपको पांचों पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, चले। तो धर्मराज किसको कहते हैं हम लोग, युधिष्ठिर को। तो ये पांच हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो सबसे बड़ा है धर्मराज, उससे छोटा भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सबसे छोटा द्रौपदी। तो किसका नहीं है, एक तो सहदेव, नकुल सहदेव रथ एक में ही है, तो सबसे छोटे भाई हैं वो, तो सबसे छोटा उनका होगा और उनके बाद माता जी का। तो यदि आपको ये पता हो कि सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, तो उनका रथ भी सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। और वैसे भाइयों में नकुल सहदेव इनका कॉमन रथ है और माता जी का, द्रौपदी माता थी, वाइफ थी यार, चले। और ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। और ये हमने बताया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसमें ये था ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स वाले में, पत्नी थी हाँ, वो बाय मिस्टेक हो जाता है इसीलिए मैं बाद में मुझे याद आया। द फ्लेमिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और ये आपको रटना होगा, और किसी दिन हिम्मत होगी आपकी तो इस पर क्विज करवा लूंगा। बहुत बोरिंग होता है, उसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन ये हमें
करना चाहिए? एक क्वेश्चन तो लगभग ऐसे इस तरीके से पूछ ही रही है, ये कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, बताइए जल्दी से, यदि पढ़े हों तो। फ्लेमिंग फेस्टिवल, चलें बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। कहाँ पर साथियों? कल वाली नहीं मिली, कल वाली इसलिए नहीं मिली क्योंकि कल का क्विज पूरा नहीं हुआ था। थियरी की तो मिल जाएगी, क्विज का नहीं देंगे, क्विज जब तक पूरा नहीं करवाएंगे। आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है पक्षियों के सम्मान में, जो 500 मीटर 15,000 ग्रेटर फ्लेमिंग विजिट करती हैं लगभग विदेशों से यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटेड ऑफ ख्याल, तरन और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? इनको हम उर्दू का भी जनक कहते हैं इंडिया में। इन्होंने कव्वाली भी खोजी है, इन्होंने सात सुल्तानों का दरबार भी देखा था। तो क्या नाम था इनको? अमीर खुसरो। और इनको क्या कहते थे हम? तोताए हिंद। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे ये, फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं इनको हम। तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हैं। चले बताओ, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करने वाले फोर्स का नाम क्या है? आपको एक दिन हमने पढ़ाया था कि मोस्ट स्ट्रांग फोर्स, सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है फिजिक्स वाले में। यदि वो आपको पता हो तब भी आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में होंगे। चलो सबका जवाब सही आ रहा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे मजबूत कौन सा? स्ट्रांग न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर और सबसे कमजोर कौन सा? ग्रेविटेशनल। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी खूब पूछती है, सबसे मजबूत बल और सबसे कमजोर बल। तो सबसे कमजोर कौन सा हो गया साथियों? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और सबसे मजबूत कौन सा हो गया? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। चले पालमू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड विच विच स्टेट? पालमू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यदि आपको यही पता हो कि पालमू कहां है तब भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ कहां मिलती है? पीडीएफ अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। आप अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां से पीडीएफ मिलेगी। और जो लोग एसएससी, जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो अन अकेडमी उनके लिए काफी अच्छे अच्छे कोर्स प्रोग्राम लेके आ रहा है। तो सीरियसली तैयारी कर लीजिए, तुरंत नौकरी मिल जाएगी। तो कहाँ पे साथियों पालमू कहाँ पे है? दैट इज द झारखंड। एशियाटिक शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉरी, किस राज्य का राज्य पशु है? कप के शैडो में कुछ और तो नहीं पी रहे हैं? कप में चाय ही पीते हैं। जो लोग मेरे से क्लास किए उनको पता होगा, लगभग डेढ़ डेढ़ घंटे तक हम एक ही कप से चाय पी करके काम चला रहे थे लाइव क्लासेस में। चाय पीना एक बहाना होता है, अब तो लाइव क्लासेस में तो फॉर्मेलिटी सी रह जाती है। तो कहाँ है साथियों? गुजरात। यस, सबका जवाब सही है।
गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं मेनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बताओ कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स, बताओ। कंजर्वेटिव का मतलब है हिंदी में उत्पादक कह लो, लाभकारी कह लो, पॉजिटिव कह लो। तो नेगेटिव कौन सा होगा? फ्रिक्शनल। नहीं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो, कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स द प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन इन द मूविंग इन अ पार्टिकुलर बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले फोर्स को। नॉन कंजर्वेटिव द वर्क डन बाय दैट द फोर्स डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द मास। चलिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द पोस्ट ऑफ गवर्नर, किस आर्टिकल में राज्यपाल का पद दिया गया है? बताओ। कल कल का पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ तो मिलता ही है, कल कल का नहीं दिए थे, और इसलिए नहीं दिए कि एक बार उसका क्विज करवाना है। स्वास्तिक कुमारी, मेरा नाम नहीं ले रहे स्वास्तिक, आपका नाम इतना अच्छा है, हम सब बचपन से ले रहे हैं स्वास्तिक। बताइए किस आर्टिकल में? तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में होता है? 52 में। तो गवर्नर किस आर्टिकल में? 153 में। 153 क्या कहता है? कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा, लेकिन एक गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। चलो, सबका जवाब सही है। यहां हमने सारे आर्टिकल दे दिए, 153 क्या है, 154 क्या है। हु कैन कॉल द गवर्नर ऑफ स्टेट एज द फेडरल फायरमैन, किसने राज्य के गवर्नर को संघीय फायरमैन कहा है? राज्य के गवर्नर को संघीय फायरमैन कहा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये बुक किसका है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन को मेरे बच्चों आपको अटेम्प्ट नहीं करना है एग्जाम में। जैसे एक थियरी वाली आती है, वो 99% हमें आपको नहीं पता होता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली नहीं करना। हाँ, दो में कन्फ्यूजन हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे लगभग सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता फिर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये आपका गुनाह है और यही गलती आप एग्जाम में करेंगे और ये माइनस मार्किंग में आपको लेके जाएगा। चले, तो ये कौन है साथियों? सी राजगोपालचारी, देश के पहले भारतीय गवर्नर, राजा जी। मिलिंद पन्नू टू बुद्धिज्म, विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्ट मिलिंदा टू बुद्धिज्म, किस बौद्ध गुरु ने मिलिंद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? बताओ। इनकी बुक का नाम आपको पता हो, मिलिंद पन्नू, तब भी आप करने की स्थिति में होंगे, उसी बुक में इसका जिक्र है। मिलिंद पन्नू किसने लिखा है साथियों? तो मिलिंद पन्नू किसने? नागसेन ने। और इसमें किसके बारे में? मिलिंद और नागसेन की डिस्कशन के बारे में ही है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और उसे उतने प्रभावित होते हैं कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। मिलिंदा ने बहुत सारे क्वेश्चन नागसेन से पूछे और उससे वो प्रभावित होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाय विच अमेंडमेंट 10th शेड्यूल वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद करो किस ईयर में जोड़ी गई थी? 1985 में।
एक मिनट बाई विच अमेंडमेंट 10th शेड्यूल वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ सिक्किम। ये गलत, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया है? सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन है। अब देखो 90% आप में से अधिकांश लोगों का जवाब गलत आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको सीख लो एक बार, तो ये हमेशा आप गलत करते हैं। सिक्किम को इंडिया में 35th अमेंडमेंट करके एज अ एसोसिएट स्टेट शामिल किया गया। एसोसिएट स्टेट, सहवर्ती राज्य के रूप में शामिल किया गया। लेकिन जब यह पूछा जाए एज अ कंप्लीट स्टेट, बाईसवें राज्य के रूप में कब शामिल किया गया, हमने थोड़ी बहुत शायद इनकी कहानी बताई थी, इंदिरा गांधी ने कैसे बुद्धिमानी से इसको भारत में शामिल कर लिया था। तो इस बार 36th अमेंडमेंट हुआ, तो जब हम आपसे ये पूछे कि किस अमेंडमेंट से भारत में शामिल हुआ है, सिंपली तो आपने करना है 35th अमेंडमेंट। लेकिन जब ये पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट से पूरी तरीके से भारत में शामिल हुआ, कंप्लीट राज्य का दर्जा मिला पूरे, तब आपको करना है 36th अमेंडमेंट 1975। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन और फिर आते हैं वापस। By which amendment 10th शेड्यूल was added in the Indian Constitution giving the special status to Sikkim, है ना? तो ध्यान से देखो, तो special status दिया गया है, complete राज्य का दर्जा नहीं है। तो complete राज्य का दर्जा नहीं है तो कौन सा होगा साथियों, 35th amendment, 35वां संशोधन 1974, यही होता as a state of India, तब होता 36th amendment। सिक्किम की स्टोरी नहीं बताए थे, बता देते हैं दोस्त मेरे भाई। सिक्किम को यदि मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा अलग सिचुएशन में है, एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल, चाइना, तो नेबरिंग कंट्री में, नेबरिंग स्टेट में, सबसे मतलब टिपिकल स्टेट में, पहले यहाँ पे चोग्याल का शासन हुआ करता था। चोग्याल इधर लोकल राजा, लोकल किंग। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आपको डर नहीं लगता है? उनका मुझे किस बात का डर? उन्होंने कहा कि मान लो आप पर किसी देश ने हमला कर दिया तो आपको सुरक्षा कौन करेगा? नहीं, नहीं कहा मुझे क्यों कोई हमला करेगा, नहीं। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा नहीं आपको डरना चाहिए। उन्होंने कहा जी चलो डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डरने की बात नहीं है, आप हमसे एक समझौता कर लो एसोसिएट स्टेट का कि आप पर कोई हमला करेगा तो आपकी जिम्मेदारी हमारी होगी, आप पर वो हमला, हम पर वो हमला माना जाएगा और आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होगी। उनका जी अच्छी अच्छी बात है, हम आपको जो कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं रहे इसलिए आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है। हम आपको भारत में शामिल कर ले रहे हैं लेकिन एज अ एसोसिएट स्टेट। इन्होंने बोला इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि आप अपना शासन करना, सब कुछ आप अपने हिसाब से करना, बस आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, कहीं से किसी से हमला होगा तो आपकी जिम्मेदारी हमारी। उन्होंने कहा जी तो अच्छी बात है, हम तैयार हैं। और 35th अमेंडमेंट करके उनको स्वतंत्र राज्य के रूप में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आया 1975, इंदिरा गांधी ने कहा कि अब आपको डर नहीं लगता है? उनका आप किस बात का डर, अब तो आपके साथ आ गए। उनका नहीं नहीं मेरे साथ आ गए, बाहर से तो हम रक्षा कर लेंगे, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चल रही है और आपके वहां राजतंत्र चल रहा है,
तो कल आपकी जनता ही आप पे हमला कर देगी तब? उनका नहीं 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 मेरी जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मुझ पर हमला नहीं करे। उनका नहीं नहीं शासन में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, कभी भी हमला कर देगी तो आपको डरना चाहिए। उन्होंने चलो डर गए। बात डरने की नहीं है, बात आपकी सुरक्षा की है। तो आप ऐसा करो, आपके वहाँ चुनाव करवा देते हैं और आपको सीएम बना देंगे लाइफ टाइम, आपको भी टेंशन नहीं हमको भी टेंशन नहीं। उनका जी ये भी बात अच्छी है, जनता तो मुझे प्यार करती है तो मैं सीएम बन ही जाऊँगा। तो उनका देखो लेकिन इसके लिए पहले आपको भारत में एज ए स्टेट शामिल होना होगा, एज ए राज्य शामिल होना होगा और राज्य बना करके और आपको सीएम बना ही रहे हैं। उनका जी ये भी ठीक है। अब फिर अमेंडमेंट करके 36 अमेंडमेंट करके 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, कंप्लीट स्टेट। और कंप्लीट स्टेट में हमने सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया, 22nd स्टेट। और 22वां राज्य बना करके वहां पर राज्य में चुनाव कराया गया और चुनाव में साथियों चोग्याल को हरा दिया गया, क्योंकि चोग्याल जीत जाते तो हमेशा पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते। अब आज भी सिक्किम की जनता नाराज है कि हमारे राजा के साथ धोखा हुआ था, हमने तो वोट दिया था लेकिन हमने क्या कहा कि आपने उतना वोट नहीं दिया था कि वो जीत जाए। तो ध्यान से देखो तो इंदिरा गांधी ने बड़ी बुद्धिमानी से बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़े हिस्से को भारत में शामिल कर लिया और बहुत तारीफ हुई थी इस बात के लिए, मतलब ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। खैर जो भी हमारे लिए, तो हमने एसोसिएट स्टेट क्यों बनाया और बाद में कंप्लीट स्टेट कैसे बनाया, किस अमेंडमेंट से, किस ईयर से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कोई सा भी रहे ऑप्शन दोनों रहता है और दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम स्पेशल स्टेट बोले, एसोसिएट स्टेट बोले, तो आपने करना है 35th अमेंडमेंट। जब हम बोले कंप्लीट स्टेट, 22nd स्टेट, कंप्लीटली एडेड इन इंडिया, तो आपने करना है 36th अमेंडमेंट 1975। कर लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। चले विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रॉक बाय द अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिसाइक्लाइजेशन। बताओ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से बनने वाले चट्टानों को क्या कहते हैं? ये हमने बताया था आपको। राजा डर गए, नहीं मंदिर वहीं बना दिया। पवन चामलिंगम इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन सिक्किम। यस गुड, बहुत अच्छा फैक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है तो कौन सा है साथियों? मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान हिंदी में ही होता है। ये हमने साइकिल बनाया था आपको, पहले इग्नियस प्राइमरी रॉक, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक, और ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी लगभग हर साल पूछ ही लेती है। ये वो एक टॉपिक है जो आपको जनरली आपको रटने चाहिए, तैयार रखने चाहिए। व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन गोज डूप इन द अर्थ। पृथ्वी में नीचे जाएंगे तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? आप जानते हैं कि सबसे ऊपर क्रस्ट 34 किलोमीटर तक, फिर 2900 किलोमीटर तक मेंटल, फिर आउटर कोर 5100 किलोमीटर और फिर इनर कोर 6400 किलोमीटर। तो जब भी नीचे जाएंगे आप तो क्या पूछा गया है? प्रेशर। तो हम आपसे टेम्परेचर पूछें बढ़ेगा, डेंसिटी पूछें बढ़ेगा, प्रेशर पूछें बढ़ेगा। तो अब देख लो क्या है क्वेश्चन। प्रेशर पूछा गया तो प्रेशर क्या होगा साथियों? बढ़ेगा। ये हमने आपको पूरा डिटेल सिखाया हुआ है, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, निफे क्या होता है, ये हम सभी लोग सीख चुके हैं। चलें, सबका जवाब अच्छा आ रहा है, गुड, थैंक यू। बड़ी मेहनत से प्यार से देखो, कल ये पढ़ाया था, कल देखो यदि कल वाली क्लास को आपने प्रॉपर ईमानदारी से देखा होगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला एक सिंगल क्वेश्चन भी बिदुकेगा नहीं। अब देखो, विच एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया एबोलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन
टी ट्रेड एंड चाइना बोथ, बताओ यदि टी ट्रेड और चाइना नहीं होता तो क्या आंसर होता? अलग आंसर होता। और यहां पर कंप्लीट मोनोपोली खत्म हो रहा है, टी ट्रेड और चाइना के साथ दोनों खत्म हो रहा है। सर स्टैटिक जीके कैसे करें? स्टैटिक जीके आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं लास्ट में, थोड़ा सा टाइम देंगे 10-5 मिनट तो हम उस पर बात करेंगे। तो जब सिर्फ ये पूछे मोनोपोली कब खत्म हुआ 13, और जब पूछे कंप्लीट मोनोपोली कब खत्म हुआ 1833। चले मैक्सिमम लोग सही करें, इसका सिंपल सा मतलब है कि कल बहुत लोग क्लास में थे आप में से, पूरा हमने पढ़ा दिया था कि क्या क्या हुआ था। लॉ कमीशन लॉ मेंबर शामिल कर लिया था, लॉर्ड मैकाले को लेकर गए थे। दूसरा हमने कहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और विच शेड्यूल इज नॉट रिलेटेड विथ राइट, कौन सा अनुसूची के बारे में सही नहीं है? 9th शेड्यूल एक्ट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से मुक्त विषय। 6th शेड्यूल शेड्यूल एरिया। 8th शेड्यूल लैंग्वेज। 3rd शेड्यूल ओथ। बताइए कौन सा गलत दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताइए कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बच्चे का सही जवाब आ रहा है, बाकी सबका गलत आ रहा है। इसका सिंपल मतलब है आपने ये बेसिक सा टॉपिक भी नहीं किया, जबकि इसको डिटेल में मैंने सिखाया था आपको। निकम्मो। 9th इज राइट, 8th इज राइट, 3rd इज राइट, 6th, 5th में दिया गया है शेड्यूल्ड एरिया, 6th में दिया गया है शेड्यूल्ड एरिया ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन, क्लियर है? सिर्फ ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन। अब 12 के 12 शेड्यूल को याद करने का ट्रिक देख लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो शेड्यूल 1 में क्या है? टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब है भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, 28 स्टेट और 8 यूटी शेड्यूल 1 में। ई फॉर एम्लुमेंट्स, क्या मतलब हुआ यहां पर? जो सैलरी मिलेगी आपको, वेतन मिलेगा, वो सारा का सारा। शेड्यूल 3 में अफर्मेशन मतलब ओथ, शपथ। आर फॉर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में दी जाएंगी, ये आपको याद रखना है। एस शेड्यूल एरिया 5वें में, तो टीयर्स याद हो गया, ट्रेडरी सैलरी ओथ राज्यसभा में सीटों का डिवाइजन और शेड्यूल एरिया का बंटवारा। फिर है ऑफ अदर शेड्यूल एरिया, नहीं बाकी को छोड़ के, किसका? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ATMM असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, जैसे भी याद कर ले आप। अगला है एफ फॉर फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन क्या? जो तीनों लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। फेडरल का मतलब आप जानते होंगे, संघीय सिस्टम का मतलब, जब पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ जाए तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम। मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, लगभग ये 45 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा। फेडरल सिस्टम ये सिखाऊंगा। फिर है ओल्ड पीएम मनमोहन सिंह, क्या आंखों में आंसू हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ओल्ड में क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज? 22 लैंग्वेज। एल का लैंड रिफॉर्म, वो 9th शेड्यूल, जो मामले जुडिशरी में नहीं जा सकते। डी फॉर डिफेक्शन,
एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून, पीएम पंचायत और एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज। कई बार आप एग्जाम में कन्फ्यूज रहते हैं 13वें और 12वें, 11वें और 12वें शेड्यूल में, तो हमेशा के लिए पीएम हो जाएगा आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। क्लियर है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। और आज के दिन से भी जोड़ लेना है कि 5 अगस्त को सारे कांग्रेसियों को दुख हो रहा है, ऐसा भी नहीं सोचना है। कोई कांग्रेसी हो तो बुरा नहीं मानना, जय कांग्रेस, जय बीजेपी, जय समाजवादी पार्टी, सबका जय। सारी पार्टियां अच्छी हैं, सारी देश के लिए ही जन्म ली हुई हैं, बस हम लोग नहीं समझ पा रहे पार्टियों की भावनाओं को। चले, विच वन इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला तारा कौन है, टीयर्स में ए क्या है? निकम में टीयर्स में ए बता नहीं दिया। अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब ओथ, शपथ। नहीं नहीं, ए फॉर एलोकेशन ऑफ राज्यसभा नहीं, अफर्मेशन, ओथ। बताएं सबसे चमकीला तारा कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार। तो कौन सा साथियों, सिरस, देख लीजिए। कौन से राज्य की भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा मिलती है, बताओ। इस तरह के क्वेश्चन जब से नेबरिंग कंट्री वाले टॉपिक आ गए हैं तब से खूब पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन तो रह ही रहा है, कौन से राज्य की सबसे लंबी सीमा मिल रही है भूटान के साथ। हमारा सबसे लंबा पड़ोसी कौन सा है, तो हमने कहा था आपसे बचपन में एमबीए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो भूटान के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की मिल रही, सॉरी सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ मिल रही है, क्या जवाब दे रहे हैं आप सब? सबका जवाब सही है, दैट इज द असम। यस, एक बार देख लीजिए असम के साथ किसकी किसकी मिलती है, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान कहाँ गया, यहाँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। चल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर, दामोदर रिवर की उत्पत्ति कहां से होती है। रिवर वाला टॉपिक हो सकता है 2-3 दिन में मैं शुरू कर दूं, लेकिन 3 दिन लगातार चलेगी तब जाके पूरा होगा, कम से कम 1.5-1.5 घंटे। दामोदर नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, जल्दी बताइए दामोदर नदी की उत्पत्ति। दामोदर को क्या कहते हैं, सरोवर, किसका दुख कहते हैं। चले, सबका जवाब सही है लगभग, एक दो लोग को छोड़ के, दैट इज द छोटा नागपुर। नहीं, सरोवर बंगाल इज दामोदर, सरोवर बिहार इज कोसी, सरोवर उड़ीसा, महानदी, सरोवर असम, ब्रह्मपुत्र लाइफलाइन ऑफ एमपी, नर्मदा लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, गोदावरी लाइफलाइन ऑफ गोवा, मांडवी लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, तिस्ता, रेड रिवर, ब्रह्मपुत्र, बृद्धगंगा, गोदावरी, अर्धगंगा, कृष्णा और दक्षिण गंगा, कावेरी। देख लो यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूज होते हो आप, बृद्धगंगा, अर्धगंगा और दक्षिण गंगा, ये गलत मत करना, खूब आता है ये क्वेश्चन। चले, रिवर का टॉपिक कर रहे हैं, रिवर का मैटर तैयार करना पड़ा है, बेहतरीन मैटर, ताकि आपको
चलती हुई दिखे गंगा, ऐसा बनाना चाह रहे हैं, मतलब रिवर का लाइफ टाइम का आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सर आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं मेरे दोस्त, हम तो आज खुश हैं, आपका राम मंदिर बन गया। समुद्र के गुप्त के समय कांची का शासक कौन सा था बताओ, ये अपने आप में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बता दो तो मजा आ जाएगा। एक लोग का जवाब सही आ रहा है, टाइमिंग बढ़ा दो सर, रिवर टाइमिंग बता दो, डेली कंटिन्यू रहेंगे तब फायदा है, मेरी क्लास करें तो कोई फायदा नहीं है। सर CHSL अक्टूबर में हो जाएगा क्या? सारे एग्जाम अब टाइम पे होंगे, सारे एग्जाम अब टाइम पे होंगे, और अपनी तैयारी को आप इतनी बेहतरीन दिशा में रखिए कि मतलब मजा आ जाए। तो कौन विष्णु गोपा इसके आंसर हैं, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच वन इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कॉफी पोर्ट किसे कहते हैं? आपको पता हो कौन सा देश कॉफी के लिए फेमस है तो आप कर सकते हो। बताओ सारे निकम्मे एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करते हैं सारे, और इसलिए सारे का गलत हो गया। संतोष इज द सी नोन एज द पोर्ट ऑफ कॉफी या पोर्ट ऑफ डेथ। क्योंकि यहां पर येलो फीवर की वजह से बहुत सारे लोग मरे थे, कहां पर? ब्राजील में। कॉपी पेस्ट से बाहर आओ निकम्मो, नहीं पता है मत अटेम्प्ट करो, लेकिन कोई जरूरी है कॉपी पेस्ट करके, हमेशा वही याद रह जाएगा, पता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वर्ड एल्कोहल, सॉरी वुड एल्कोहल, बताओ किसे वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है तो कर लेते। कॉफी ब्राजील में होता है, यस गुड। भारत का कॉफी के प्रोडक्शन में कौन सा नंबर? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो कर देंगे जल्दी जल्दी। दैट इज द मेथेनॉल, गुड, इज नोन एज द वुड एल्कोहल, इट इज सॉल्वेंट इन द मेनी केमिकल प्रोसेस एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज, नॉन ड्रिंकिंग टाइप ऑफ एल्कोहल, ऑल्सो नोन एज द वुड एल्कोहल एंड मिथाइल एल्कोहल, यूज टू क्रिएट फ्यूल सॉल्वेंट एंड द एंटी फ्रीज। चले, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन वी पास क्लोरीन इनटू साल्ट लाइम, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन का, किस उत्पाद का निर्माण किया जाएगा जब हम इसे साल्ट लाइम में चुने के डालेंगे तब? बताइए जल्दी से। सर पापा बोलते हैं क्या निकम्मे? पापा तो बहुत कुछ बोलते हैं मेरे दोस्त, हम तो बस एक ही वर्ड बोल रहे हैं निकम्मे। ये प्यार है हमारा आपके लिए, एक तरफा है लेकिन, कोई बुरा मत मान जाना। बताओ जल्दी से, देखो सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और ये इट इज द ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन आज क्वेश्चन यहीं पर रोक करके, और थोड़ा बहुत आपका स्टडी जीके का स्ट्रेटजी बता देते हैं, फिर उस पर हम देख लेंगे।
तो मेल पे भेज दीजिए। गुरुकुल कब ओपन होगा? गुरुकुल ओपन होगा जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पासेस द पाकिस्तान रिजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940? बताओ किस अधिवेशन में पास किया था? 1943 कराची वाले में स्वीकार कर लिया था, लेकिन पास किस में किया था? देखो सारे निकम्मे हैं। नहीं चलो आज अभी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। तो इसका आंसर है साथियों लाहौर। जिन्ना ने पास करा था इसको। चलो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? पूरा डिटेल पढ़ाया था तुमको कांग्रेस के चेयरमैन, कांग्रेस का पूरा इतिहास। ये क्वेश्चन भी यदि गलत करो तो फिर मतलब पास में कोई हो तो बोलोगे एक थप्पड़ मारे तुमको खींच के। हालांकि यहाँ तो बहुत आसान है, एक दूसरे ने कॉपी पेस्ट करना है आपको, लेकिन फिर भी चलें देखते हैं। बताइए जल्दी से, जल्दी सबका जवाब सही है यहाँ पर, जेबी कृपलानी। चले चलो लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, फिर थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस पट्टाभी सीतारमैया, यस। और कांग्रेस का इतिहास ऑफिशियली किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। सूर सागर किसके टाइम पीरियड में ट्रांसलेट हुआ था बताओ? तो सूर सागर साथियों किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम पीरियड में। किस लैंग्वेज में? ब्रिज भाषा में। चले और किसने सूर सागर? सूरदास ने। माउंटेन टॉपिक थ्री क्लास कराएंगे, आप ज्योग्राफी पे ही फोकस करने जा रहे हैं, आप ज्योग्राफी का ही शुरू करने वाले हैं जल्दी से। आज स्टोरी नहीं, स्टोरी कल, आज थोड़ा इस पर टाइम देते हैं, कल स्टोरी करवाएंगे बढ़िया से अच्छी स्टोरी। आज मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इस पर आपको टाइम दे दूँ ताकि आप समझ पाएँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास कल रख लेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास हम शुरू करेंगे। देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और साथियों ये मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको इंटरनेशनल अवार्ड सारा डिस्कस कर दिया, स्पेशली नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे, पुलित्जर, एबल, कलिंगा, वर्ल्ड फूड, गांधी पीस प्राइज, इंडिया का ही है लेकिन इंटरनेशनल है, एकेडमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, लाइट लेवलीहुड अवार्ड, और इन दोनों पे हमने क्वीज कर लिया है। इन केस यदि इनमें दोनों में से किसी पे क्वीज बचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक होता है। प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है, आप इंक्वायरी करेंगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर अवार्ड्स ऑफ इंडिया हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। बीसी रॉय अवार्ड, ओम प्रकाश, ये सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और याद करिए हमने आपको ये बताया यूएनओ, लीग ऑफ नेशन,
WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारा का सारा यूनेस्को, इस पर हम क्विज भी कर चुके हैं। यदि नहीं हुआ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पार्टिकुलर क्विज को हम कर लेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क, आसियान, नाटो, G7, नाम, एपेक, ओपेक, सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट्स में हमने आपको ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, आसियान ये करवा चुके हैं और इस पर क्विज भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, ये टॉपिक आप पढ़ के यदि किसी दिन आप आएंगे तो इस पर हम क्विज करवा देंगे कि ये पार्टिकुलर टर्म किस खेल से रिलेटेड है, ये पार्टिकुलर प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है, ये अवार्ड किस में दिया जाता है, किस फील्ड का क्या नाम है, ये इस पर हम क्विज करवा सकते हैं। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन DRDO, CSIR, ISRO, पॉपुलेशन कंट्रोल, UDAI, CSO, NSSO, ये टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहते हैं, यदि चाहेंगे तो आप अपने से कर सकते हैं। फिर से यदि आप लोग कहेंगे कि दोबारा कराना है, मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि पहले जो नहीं हुआ वो करवा लेते हैं, फिर दोबारा करवा लेंगे। फिर डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। अब दिक्कत क्या है कि क्लासिकल डांस या फोक डांस में कराने के लिए बहुत कुछ नहीं है, एक बार 10-15 मिनट में कराया जा सकता है, लेकिन इस पर साथियों आपको मतलब खुद एफर्ट करके आना होगा डांस वाले में। इस पर हम क्विज करवा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ गेम करवा देंगे, 15-20 मिनट का टॉपिक है वो, कॉमनवेल्थ गेम भी करवा देंगे और कॉमनवेल्थ गेम पर हम आपको क्विज भी करवा देंगे। फिर साथियों बुक और ऑथर, इस पर मैं एक बार दिखाता हूं किस किस तरीके से बुक आपको रेडी करना चाहिए और इस पर हम, जब आप रेडी हो जाएंगे तो हम इस पर क्विज करवा देंगे आपको। इंपॉर्टेंट डेज, इसमें कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं है, हाँ हम एक अच्छे से कैटेगराइज करके नोट्स दे देंगे, फिर आप पढ़ के आएंगे तो हम इस पर क्विज करवा देंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने पूरा करवा दिया और इस पर क्विज भी करवा दिया था जस्ट 2-3 दिन पहले की क्लास में। नेशनल पार्क और विंड लाइफ सेंचुरी, ये पूरा रटने वाला टॉपिक है, इस पर क्विज करवाया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे कुछ सिखाया जा सकता है आपको, क्या कि वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क किस लॉ के तहत आते हैं, टाइगर रिजर्व 4 किस लॉ के तहत आते हैं, वुमेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये टॉपिक हम आपको करवा सकते हैं। इस सारा का सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फिर साथियों पोर्ट्स और सी पोर्ट्स हम आपको करवा चुके हैं यहीं पर और क्विज भी करवा चुके हैं शायद। यदि नहीं करवाएं तो आप में से कोई अपना एक टॉपिक लिखते रहेंगे और एक दिन पहले डिस्कस कर लिया करेंगे, वो हम उस पर क्विज करवा लिया करेंगे। फिर है स्टेट और यूटीज, इस पर अभी हमने आपको नहीं पढ़ा है लेकिन हम इस पर मैटर तैयार कर रहे हैं, इस पर क्विज करवा लेंगे। जैसे मेघालय का डांस कौन सा है, मेघालय का इतिहास क्या है, मेघालय किस लिए फेमस है, मेघालय कौन सा फेस्टिवल मनाता है, कहाँ पे कौन सा ओर मिलता है, कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका फीचर क्या है, तो ये लगभग 3-4 कैटेगरी में बांट करके हम, कभी नॉर्थ के स्टेट उठा लिए, कभी सी वाले स्टेट उठा लिए, कभी साउथ वाले उठा लिए, और एक एक करके फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो इस पर हम करवा देंगे और इस पर हम क्विज भी करवा देंगे। नेबरिंग कंट्री और इम्पॉर्टेंट, 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं एक एक पेपर में, यदि आप पेपर उठा के देखेंगे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है। इस पर बहुत सारा क्विज बन सकता है, 2-3 क्विज बन सकता है, 2-2 देश का उठा करके या एक देश का उठा करके। रिवर डैम, यहाँ से भी क्वेश्चन है, रिवर डैम वाला मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको जल्दी 1-2 दिनों में। और कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट देती है, किस रिपोर्ट में भारत का क्या पोजीशन है, ये भी एक टॉपिक है, ये हम करवाएंगे आपको। सुपरलेटिव्स, ये आपको रटना होगा, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस पर मैं सिर्फ क्विज करवा सकता हूँ आपको। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फीमेल मेल रिकॉर्ड, ये भी आपको रटना होगा, इस पर मैं क्विज करवा सकता हूँ। नेशनल सिंबल भारत का, ये बेसिक एक GK टाइप का है छोटा सा, इस पर भी क्विज हो सकता है।
न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे किस राज्य में, इस पे भी आपको रटना ही होगा, क्विज करवाया जा सकता है। रिवोल्यूशन वाला टॉपिक मैं कई बार करवा चुका, पिंक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये हम लिस्ट कई बार दे चुके हैं आपको। स्टेडियम कौन सा कहां पर है स्टेट वाइज, ये भी आपको रटना होगा। सेंसस ऑफ इंडिया, ये हमने आपको थियरी भी करवा दिया और क्विज भी करवा दिया है। गवर्नमेंट स्कीम, इसकी थियरी करानी है और इस पर एमसीक्यू भी करवाना है। नेशनल हाईवे, ये आप रट सकते हैं, इसमें कुछ बेसिक जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, ये करा सकते हैं, क्विज करवा देंगे। इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ये आपको रटना होगा, इस पर मैं सिर्फ क्विज करवा सकता हूँ। इसी तरीके से फेमस टेम्पल, कौन से राज्य में कौन सा टेम्पल है, किस लिए फेमस है, कौन से यूनेस्को के लिस्ट में है, साउथ के टेम्पल्स में, नॉर्थ के टेम्पल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये देखो अब सच्चाई की बात है, स्टैटिक जीके ही आजकल पूछा जा रहा है, मतलब मैं यदि कहूँ 70% क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के लिए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको बहुत मजबूती से सीरियसली करना होगा। एमिनेंट पर्सनालिटीज, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, कुछ इनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, हालांकि हिस्ट्री में भी मिल जाते हैं आपको। माउंटेन, पीक, लेक, वाटरफॉल, ये रटना ही होगा पूरा का पूरा आपको, इस पर हम क्विज करवा सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी, एडा, PFRDA, सिडबी, ट्राई, UGC, IDBI, ये आपने पढ़ना होगा। लैंग्वेज कौन सा, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा, अर्थ शेड्यूल कौन सा, और फिर इम्पोर्टेंट कमिटीज और कमीशन कब आई, नई वाली पुरानी वाली, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ध्यान से देखो तो मैक्सिमम टॉपिक हम इसमें से कर चुके हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। कल हम लोग के टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं, वो हम लोग कौन सा करने वाले हैं, तो कल हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यदि आप कल रहेंगे तो आपको हम ये टॉपिक कवर करवा देंगे मॉनेटरी पॉलिसी का। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वारीज हो तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो। अनअकैडमी एक दिल्ली पुलिस के लिए एक बैच अनाउंस कर रहा है, आप जान रहे होंगे दिल्ली पुलिस में एक बड़ी वैकेंसी आई है। यदि आपके पास एज है और आप चाहते हैं कि दिल्ली में सम्मानजनक तरीके से जॉब करना चाहते हैं, कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो भी आप इसको चूज कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। बड़ी बेसिक सा कंपटीशन है, मैथ रीजनिंग थोड़ा थोड़ा है, और GS का मेन गेम है इसमें, 50 नंबर का वैसे GS, 10 नंबर का कंप्यूटर। तो इस चीज़ को लेकर के हम अनअकैडमी पर 10 तारीख से ये बैच शुरू कर रहे हैं। यदि आपके पास SSC का सब्सक्रिप्शन है तो ये क्लासेस आपके लिए फ्री हैं अनअकैडमी पर। यदि नहीं है तो SSC के सब्सक्रिप्शन से इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। सारे के सारे टीचर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर, बहुत नॉमिनल रेट पे हैं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स का वीक में एक दिन करवा दीजिए, ये इतना करेंट हो कहाँ रहा है कि आपको करेंट अफेयर एक दिन एक वीक में कराएं। फालतू क्वेश्चन है तो मैं कराऊंगा ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं आपको डेली दो चार पाँच बेसिक करंट का जो अपडेट होगा वो आपके क्विज में ही कराता रहूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कोई लॉजिक नहीं है कि मैं कल आपको करंट कराऊँ फालतू इधर उधर का, कि टाइम मशीन क्या है, टाइम मशीन किसने बनाया, वो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में, लेकिन एग्जाम का उसे क्या रिलेशन है, ये ध्यान रखना। हमेशा अपने टारगेट को फिक्स रखो कि मुझे करना क्या है। आप उस लालच में मत आओ कि मुझे डेली करंट की एक घंटे क्लास करनी है और इस तरीके से कह रहे हैं। फिर फिजिकल भी तो है, फिजिकल पास नहीं कर पाओगे, निकम्मे, फिर जवान किस बात की हो तुम। यदि 1600 मीटर दौड़ नहीं पा रहा है तो 6 मिनट में, तो छोड़ दे तैयारी वाली, बोल दे घर वालों को कि कोई फायदा नहीं है, सिगरेट पीता है तभी नहीं दौड़ पाएगा। चलें फिर आज के लिए यहीं पर सेशन को ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलते हैं। और कल से कोई जो आपकी क्लास होगी प्रॉपर एक घंटे की ही होगी, तो थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, तो टू द पॉइंट हम रहने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, और कल आपको स्टोरी भी सुनाएंगे।
और थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और कर दिया करो भाई, ताकि तुम्हारे दोस्तों भाइयों तक भी पहुंचे अच्छे टीचर की क्लासेस। चलें ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।